रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसका पहले जो नाम था ये RDDBFI एक्ट ऐसा था, काफ़ी लंबा नाम था, लेकिन ये कानून अस्तित्व में आया 1993 में, लेकिन इसका नामकरण जो अभी का जो मैंने बताया रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसका नाम जो चेंज हुआ है ये अभी 2019 में चेंज हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है ये अभी है रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ये जो कानून है ये कानून के कारण बहुत अच्छी क्रांति हमारे देश में हुई है। 93 के पहले ये कानून एप्लीकेबल होने के पहले पूरे बैंक को रिकवरी के लिए जाना पड़ता था सिविल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट में रेगुलर सिविल कोर्ट में जाते थे, फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस चलता है, ये फास्ट होना चाहिए बैंक का रिकवरी का प्रोसेस, इसलिए ये कानून अस्तित्व में आया है। और ये कानून में जन्म हुआ है DRT का, DRT DRAT, इनका जन्म यहाँ पे हुआ है, इस कानून में हुआ है। ये DRT क्या है, DRAT क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, और ये क्या काम करती है ये भी कानून के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें सेक्शन जो है ये टोटल सेक्शन इसमें 37 है और चैप्टर 6 है। वैसा दिखने में छोटा काम कानून है लेकिन बहुत परिणामकारक है, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया है एक कानून के कारण। इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी सेक्शन 1-2, सेक्शन 2 स्पेसिफिकली याद रखना डेफिनेशंस का है, और हमारे अपेलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हम तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, या अपीलेट हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट भी हैं, यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी कभी केसेस घूमते हैं, इसलिए डेफिनेशन का बहुत अच्छा स्टडी करना चाहिए। चैप्टर 2 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसा सब दिया है। तो ट्रिब्यूनल जो है ये DRT है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, इसका इसमें एस्टैब्लिशमेंट वगैरह दिया है, यहाँ का जो जज रहेगा, मेंबर रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के लेवल का एजुकेटेड चाहिए, और अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है DRAT का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जिसको हम जज बोलते हैं, रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्ट में हम जज बोलते हैं और ट्रिब्यूनल में हम इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर ऐसा बोलते हैं। तो DRAT जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRAT डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, DRT के बाद DRAT में केस जाएगा। यहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट जज के लेवल का लगता है, तो वो सब यहाँ पे प्रोसेस दिए, उनके अपॉइंटमेंट, उनके मेंबर, ये सब दिया है, ये सब सेक्शन में ही दिया है, 16 सेक्शन तक ये सब वर्णन इसमें है। चैप्टर 3 में है ज्यूरिडिक्शन एंड पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, विच आर दी ज्यूरिडिक्शंस, ऐसा है। और बैंक ने प्रॉब्लम आने के बाद, सामने वाले को नोटिस देने के बाद, नोटिस को जवाब नहीं देता है या रिकवरी नहीं होता है, तो दैट टाइम बैंक कैन फाइल रिकवरी सूट इन DRT। बैंक के लिए बहुत अच्छा हो गया अभी ये, डायरेक्ट DRT में ही ये रिकवरी सूट्स जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कानून है। और इसके ज्यूरिडिक्शन जो है, तो जहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का ज्यूरिडिक्शन का जो DRT है वहाँ पे ये एप्लीकेशन डालना, ये अलग अलग सेक्शन में दिया है, सेक्शन 17A, पावर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल एंड बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 18 में दिया। बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन बोले तो सिविल कोर्ट को ये केसेस एंटरटेन करने का राइट नहीं है, ऐसा क्लियर कट दिया है, सिविल कोर्ट हैज़ नो राइट टू एंटरटेन द केसेस ऑफ बैंक रिकवरी, ओनली DRT DRAT हैव द राइट्स टू एंटरटेन दिस केसेस एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर द रिट ज्यूडिशन। हाई कोर्ट को रिट पिटिशन का ज्यूडिशन है एज पर आर्टिकल 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट को जो वो खास ज्यूडिक्शन है वो ज्यूडिक्शन है आर्टिकल 32 के अनुसार रिट पिटिशन का। तो ये है, और बाकी DRAT के बाद तो अपील सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है व्हेन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर, इसलिए NCLT के ऑफिस अपील जैसे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वैसे DRAT के अपील भी सुप्रीम कोर्ट में
आते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में फिर डीआर, इसलिए बहुत इजी हो गया है डीआरटी, डीआरटी, डीआरएटी एंड सुप्रीम कोर्ट, तीन ही लेवल पे वो मैटर चलेगा तो फटाफट फटाफट उसका रिजल्ट भी आता है। और एक खास बात बताता हूँ आपको दोस्तों, ये डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ना, ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 चैप्टर 3, पार्ट 3 का जो है, पार्ट 3 जो है आईबीसी कोड का, ये पार्ट 3 का जो भी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है ये डीआरटी है। जैसा पार्ट 2 जो है कॉरपोरेट्स का, इसका एडजुडिकेशन अथॉरिटी एनसीएलटी है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसका अपीलेट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और बाद में सुप्रीम कोर्ट, वैसा डीआरटी, डीआरएटी और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसका अपीलेट जुड़े। खाली हाई कोर्ट को पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 में रिट के पावर है, वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और दोस्तों चैप्टर 4 जो है ये प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर कैसा चलेगा ये सब यहाँ पे दिया है, एप्लीकेशन कैसे करना, रिकवरी का प्रोसेस जो है ये चैप्टर 5 में, रिकवरी ऑफ डेप्ट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ डेप्ट, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है लॉयर्स के लिए, सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, ये सब दिया है। चैप्टर 6 जो है मिसेलिनियस है, इसमें ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस है, ये कानून अस्तित्व में जब आया उसके पहले ये केसेस सिविल कोर्ट में चलते थे, तो वो कानून अस्तित्व में आने के बाद व्हेन डीआरटी, डीआरएटी एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद जो केसेस उधर थे सिविल कोर्ट में वो ट्रांसफर का प्रोसेस यहाँ पे होता है, और एक डीआरटी का दूसरे डीआरटी में अगर ट्रांसफर करना है तो ये पावर डीआरएटी को है, और एक डीआरएटी से दूसरे डीआरएटी में अगर ट्रांसफर करना है तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को ही है, क्योंकि एक डीआरएटी और दूसरे डीआरएटी के ज्यूरिडिक्शन अगर अलग अलग राज्य में है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, और एक ही स्टेट में है तो वो हाई कोर्ट को भी पावर होते हैं, तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है केसेस। सेक्शन 31A, 31B ये प्रोसेस का दिया है, प्रायोरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रायोरिटी रहती है, जैसे बैंक वगैरह सिक्योर्ड क्रेडिटर रहता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी कभी कभी सिक्योरिटी ले लेते तो वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ जाते हैं। सेक्शन 32, सेक्शन 33, 34 ऐसा अलग अलग उसमें दिया है, और पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 36 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है ये रूल्स तैयार करने का, ऐसा सेक्शन 37 तक ये है। ऐसा एक कानून है जिसका नाम पहले था DRDDBFI, ऐसा कानून था उसके, मेरा एक पुराना वीडियो उसी कानून के ऊपर है, लेकिन 2019 में इसका नामकरण होके रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 हुआ। चलो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।